अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान सिद्दीकी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बनाने वाले हैं बकेट स्टाइल चिकन। फुल चिकन बनाएंगे, बकेट स्टाइल में बनाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं बकेट स्टाइल चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लगाएंगे चिकन को कट अच्छी तरह। तो गहरे गहरे कट लगा लेंगे। इसके लेग पीस पे भी कट लगा लेंगे। चिकन को जो है हमने सब जगह से अच्छी तरह कट लगा लिए हैं गहरे गहरे, ताकि जो हम मसाला लगाएं वो इन कटों में बैठ जाए। हमारे पास जो चिकन है वो चिकन है 1.5 किलो, तो हम जो मसाले लगा रहे हैं वो 1.5 किलो के हिसाब से लगा रहे हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के नमक, 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा टेबल स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे चिकन मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, 2 लेमन का रस डालेंगे, 1 लेमन के बाद डालेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो यूज़ किया है वो सरसों का तेल यूज़ किया है, तो इसे आप जो है पका के डालें, और कोई ऑयल यूज़ करें आप तो उसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। अब डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा फूड कलर, आप पसंद करते हैं तो डालें वरना स्किप करें। अब इस चिकन को हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर। और चिकन को लगाएंगे ये सारा मसाला अच्छी तरह।
चिकन को जो है हमने अच्छी तरह मसाला लगा दिया है। अब हम इसे मेरीनेशन के लिए छोड़ देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे और कम से कम आधा घंटा। तो हमारे पास टाइम कम है, हम इसे आधा घंटे के लिए ही मेरीनेट करेंगे। बास्केट के लिए जो हम यूज़ करेंगे ऑयल का खाली कंटर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो मार्केट से बास्केट भी ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाएगा और सस्ता भी मिल जाएगा। तो इसको यूज़ करेंगे हम बास्केट के लिए। ये जो बांस हमने ज़मीन में लगाया है इसी तरह आप लोगों को भी लगाना है, इसी पे हम लगाएंगे इस चिकन को। आप चाहें तो इसको सीक के अलावा भी तार का यूज़ कर सकते हैं बांधने के लिए, पर मैंने जो है यहाँ पर सीक लगाई है नीचे और बाकी इसको जो है बांस के ऊपर टेक दिया है चिकन को। अब हम इसको बाकेट से यानी के जो ऑयल का खाली कंटर है उससे ढक देंगे इसको। चिकन के ऊपर मैंने जो है इस ऑयल के कंटर को लगा दिया है। जहाँ भी आप कंटर को लगाएं तो वहाँ की मिट्टी जो है वो नरम कर लें ताकि जो है कंटर जो है थोड़ा बैठ जाए, वो जो स्टीम जो बनेगी वो ना निकले इसके अंदर से। या आप इसके कंटर की साइटों में मिट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल लिया था पहले ही ऑलरेडी। अब ये कंटर जो है अच्छी तरह फिट हो गया है। आग लगाए हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं कंटर के चारों तरफ। आग जो है टोटल जलेगी 50 मिनट। शुरुआत में जो आग जलानी है वो तेज़ जलानी है और आखिर में जो जलानी है आखिर के 30 मिनट वो आग हल्की जलेगी। चिकन को जो है रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। अब उसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा बना है और ट्राई करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि चिकन जो है वो हमारा बकेट स्टाइल कैसा तैयार हुआ है। आज जो है मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खुशबहार है, बहुत ही ज़बरदस्त है मौसम। बगीचे के अंदर जो है चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर मौसम है।
बकेट चिकन जो है वो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। बकेट चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बना है, खुशबू भी इसके अंदर से बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं और आपको तोड़ के दिखाता हूँ मैं। ये देखें, चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरह एकदम पक चुका है अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया।